सोलन में नगर निगम चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर जहां एक और प्रत्याशी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं मतदाताओं ने भी सूची तैयार कर ली है कि जब प्रत्याशी वोट मांगने के लिए उनके पास आएंगे तो वे क्या मांगे उनके सामने रखेंगे। उनकी मांगों पर जो सबसे अच्छा आश्वासन देगा वह उसे वोट देकर विजय बनाएंगे, ये कहना वार्ड नंबर 9 के मतदाताओं का है। मतदाताओं ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद समस्याएं तो वार्ड में रह जाती हैं, लेकिन पार्षद कहीं विलुप्त हो जाते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह का पार्षद चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान भी तुरंत करे। वार्ड नंबर 9 के मतदाताओं ने कहा कि उनके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या कूड़ा है, जिसके लिए वे नगर निगम को पैसा भी देते हैं, कूड़ा गाड़ी में भी गिरने के लिए खुद जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गंदगी उनके वार्ड में हर मोड़ पर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सीवरेज और बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। रात होते ही उनके वार्ड के कई क्षेत्र अंधेरे में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से रात को अप्रिय घटना होने का अंदेशा भी बना रहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें वार्ड पार्षद ऐसा चाहिए जो खुद अपने स्तर पर वार्ड के विकास के लिए कार्य करे, जो दूरगामी और दूरदर्शी हो। वार्ड नंबर 9 में मेन समस्याएं अभी जैसे कहा जाए स्ट्रीट लाइट्स की है, कूड़ा की है, करकट की है, जैसे और मेन है गार्बेज की, जो मतलब स्ट्रीट जो सड़कों में पड़ा रहता है जगह जगह, और उसको उठाने वाले कोई नहीं है। और जो गाड़ियां लगी है सरकार द्वारा, कमेटी द्वारा, वो कमेटी की कूड़ा तो उठा रही है बट उसके चार्जेस भी ले रही है। चार्जेस ले रही है तो कूड़ा जैसे होता है कि हमारे को अपने आप डालना पड़ता है गाड़ियों में, वो खुद नहीं कलेक्ट करते गाड़ियों से हमारा। और मेन मोटिव ये है कि जैसे अब हम देखें वार्ड नंबर 9 में रात को जैसे भी जाएं तो अंधेरा ही रहता है, सड़कों में लाइट्स भी नहीं होती, सफाई अभियान नहीं है। मतलब अब जैसे हमारा है कि जो भी हमारे वार्ड मेंबर बन के आएँ और जो भी मेयर बन के आएँ वो काम करने वाले हों और जो अपना पूरा समय इस कमेटी के ऊपर दे सकें। मैं सोलन का स्थायी निवासी हूँ लकड़बाजार से, और हमारा यही रहता है कि भी जो हमारा एमसी हो एक ईमानदार हो और शहर के विकास के लिए कार्य करे। तो हमारा यही रहता है कि भी जैसे हमारे लकड़बाजार में यहाँ पर कई समस्या हैं, एक कूड़ेदान की आजकल बहुत समस्या चली हुई है और एक बाथरूम की यहाँ पर बहुत समस्या है। यहाँ पर लकड़बाजार में काफ़ी दूर दूर तक कोई बाथरूम नहीं है, तो टॉयलेट की समस्या का समाधान हो यहाँ पर। और जो ये कूड़ा का इन्होंने अभियान चलाया है कि भी यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं, तो इसका हल निकालना चाहिए। मैं लक्कड़ बाज़ार वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। समस्याएं तो देखिए होती ही रहती है, आज नहीं तो कल है, कल नहीं तो परसों है, लेकिन जो भी हमारा कार्यकर्ता है, जो भी उम्मीदवार आए, वो इन सभी समस्याओं को ठीक करें कि आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार की, किसी भी मतलब की निवासी को कोई समस्या ना रहे। जैसे चाहे वो कूड़े की समस्या है, पानी की है, बिजली की है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। खास तौर पर वैसे अभी थोड़े टाइम पहले थी, बिजली की समस्या थी, कभी आती थी जाती थी। हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत दिक्कत रहती थी इससे कि कभी भी, क्योंकि किसी किसी का व्यापार पूरा ही बिजली पे ही चल रहा है। तो अब खैर थोड़ा ठीक है, पर आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि और बढ़िया रहेगा। उम्मीदवार देखिए हमारा कोई मतलब किसी पार्टी को कोई वो भेदभाव नहीं है हमारा किसी भी पार्टी के प्रति कि हमें भाजपा है या कांग्रेस है। जो भी उम्मीदवार आए अच्छा आए, अपने वार्ड के प्रति, अपने शहर के प्रति सोचे, काम करे। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो लक्कड़ बाजार में और पूरी मार्केट के अंदर, पूरे सोलन के अंदर ये जो कूड़ा करकट के पैसे लिए जाते हैं, ये नहीं लेने लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो सोलन के लोग हैं ये टैक्स तो देते ही हैं ना जी। तो अब जो कूड़ादान लगाए गए हैं, उससे पहले भी तो लगाए गए थे, तो वैसे ही लगे रहते। ढक्कन वाले तो ज़्यादा बढ़िया था, वो एक तो पैक रहता था, उसमें से उठा लिया जाता था कूड़ा आराम से। तो हम चाहते हैं कि एक तो ये सोलन में ये जो कूड़े के पैसे हैं ये बंद होने चाहिए, और अच्छे काम करने वाले व्यक्ति आने चाहिए जो सोलन को सुधार करें और सुंदर बनाएं। पहले भी हमारा सोलन काफ़ी सुंदर है और काफ़ी सुंदर बनाएं, हमारी तो यही उम्मीद है। इसका ये कोई हल नहीं है कि भी पब्लिक से पैसे लिए जाए, पब्लिक टैक्स पे करती है। जो निरपक्ष सभी को साथ लेके चले उसको ही समर्थक देना चाहिए, वो कहे किसी भी पार्टी का हो,
कोई भी पार्टी हो, पर एक अच्छा इंसान आना चाहिए जो कि सबकी भलाई के लिए काम करे और अपने वार्ड वार्ड के साथ साथ और वार्डों के साथ भी मिल के काम करे। इन समस्या जो वार्ड के अंदर आती, पानी की समस्या आती है या गंदगी वगैरह की है, इन समस्याओं के ही होता है वार्ड के अंदर, और कोई ऐसी समस्या तो नहीं आती है। पर इन्हीं के साथ ही जो कहना चाहता हूँ कि भाई मेन जो है वार्ड के अंदर जो सफाई का या पानी की समस्या मेन होती है, जो आम पब्लिक जो है हर तीसरे दिन या दूसरे दिन पानी आता है उसमें जूझती है। देखो, उम्मीदवार के तौर पे तो मैं एक अच्छा उम्मीदवार चाहूँगा जो अपने काम के लिए ईमानदार रहे, और ये मेरा पहला वोट है तो इसके लिए तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि भाई अपना वोट एक अच्छे इंसान को दूँ और जो काम भी करे। जैसे अभी पिछली बार जो खड़े थे उनके भी काफ़ी अच्छे काम थे, और अब ये भी है कि हम नया चेहरा भी देखना चाहते हैं, तो वो किस तरह के वादे करेगी और किस तरह का काम करने का वो वादा करेगी हमसे, तो उस हिसाब से हम वोट देंगे। बस यहाँ पे हम चाहते कि और ज़्यादा हमारे को फैसिलिटीज़ मिले, जैसे हर एक दुकान में डस्टबिन लगाए जाए, और भी कई चीज़ें कि टूरिस्ट को जो यहाँ पे आते खींचे जाए, कॉलेज का रास्ता है बच्चों के लिए, यहाँ पे कोई नई नई फैसिलिटीज़ लाए। बस हम चाहते कि तरक्की हो। आपको बता दें कि इस वार्ड में कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जिसमें वर्तमान पार्षद पुनीत शर्मा, शैलेंद्र गुप्ता हैं। इसके अलावा कुल राकेश पंत, जगमोहन मल्होत्रा, तृप्ता लांबा, रंजित साहनी भी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा इस वार्ड से किस पर दाव खेलती है।